दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी नर्मदा के बारे में। जी हाँ, भारत की पांचवी सबसे लंबी नर्मदा नर्मदा नदी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको पक्का है नहीं मालूम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी जिसका दूसरा नाम रेवा नदी भी है। जी हाँ, नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी है। यह मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी बन जाती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहने वाली नदी है। यह तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, लेकिन यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा वाली नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र है, जगह है अमरकंटक। अमरकंटक से ही यह नर्मदा नदी निकलती है। वहाँ के साल के वृक्ष और टूरिज्म एरिया जो अमरकंटक की काफ़ी खूबसूरती को बढ़ा देती है, वहीं से यह निकल के मुंबई रोड होते हुए यह खंबात की खाड़ी में घुसती है गुजरात में और फिर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये हो गई नर्मदा नदी। अब बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी में कुल कितने बांध बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी में कुल 30 बांध बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी भारत की दूसरी बांध सरदार सरोवर परियोजना और माहेश्वर परियोजना बनी है। क्या आपको मालूम है कि सरदार सरोवर परियोजना और माहेश्वर परियोजना का जब बांध बन रहा था तब इसमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह भी है कि सरदार सरोवर परियोजना के सामने पे स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत की एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति इसी नदी के एक टापू पर बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो नर्मदा नदी है यह आंतरिक भाव की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी बन जाती है गोदावरी और कृष्णा के बाद। जी हाँ, ये हो गई नर्मदा नदी के बारे की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।